हेलो डियर फ्रेंड्स, इस समय इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में कोरोना वायरस का आप जानते हो टेरर है। अपने नीट से रिलेट करके जो वायरस के पॉइंट हैं या कोरोना से रिलेट करके जो राइट नाउ पूरे वर्ल्ड में या इंडिया में जो भी फियर है उसे लेकर के हम लोग बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके लिए भी है और जनरल ले मैन के लिए भी है जिन्हें वायरस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मैं एनसीईआरटी से लेकर के अभी तक जो भी कोरोना वायरस के बारे में अपडेट है लेटेस्ट, वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप जानते हो कोरोना वायरस के बारे में, यहाँ पे मैंने लिख रखा है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस कोई आज से हमें नोन नहीं है, बहुत पहले से हमें कोरोना वायरस के बारे में पता है। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट द कोरोना वायरस, लेटेस्ट सी अबाउट द वायरसेस, वॉट आर दे। अगर हम लोग वायरसेस के बारे में डिस्कस करें, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं या जो बायोलॉजी के फ्रेंड्स हैं मेरे, उन्हें मालूम है वायरस को फाइव किंगडम सिस्टम में नहीं रखा गया है। आरएच विटेकर का जो फाइव किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन है उसमें वायरस को कहीं कोई प्लेस नहीं दिया गया है, क्योंकि वायरसेस आर ए सेलुलर क्रिस्टलाइज्ड मटीरियल आउटसाइड द लिविंग बॉडी। दे आर क्रिस्टलाइज्ड मटीरियल, सो दे हैव नॉट बीन प्लेस्ड इन फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे मैंने वही मेंशन किया है कि फाइव किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में वायरसेस को कोई प्लेस नहीं दिया गया है। यू नो दे आर द एक्सेप्शन ऑफ सेल बायोलॉजी। वायरसेस तो सेल बायोलॉजी के भी एक्सेप्शन है, क्योंकि जो सेल का स्ट्रक्चर होता है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल ऑर्गेनल है, ऐसा इनके पास कुछ भी नहीं है। एंड मोर ओवर वी पीपल नो दे आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। However, we are writing here that non-cellular organism inert crystalline structure. अगर living organism के बाहर रहेंगे तो crystalline structure, ये हमारे लिए harmful तभी हैं जब living organism के contact में आते हैं। इसीलिए viruses के लिए हम लोग learn करते हैं, they are obligate parasite, तो they live inside the host, ये हमारे body में रहते हैं। ह्यूमन में, अदर एनिमल्स में, प्लांट्स में उनकी सेल के साथ इंटीग्रेट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और डिजीज कॉज करते हैं। बिना होस्ट के वायरसेस का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। वायरसेस को वेनम या पॉइजनस फ्लूड कहा जाता है। वायरसेस टर्म का लिटरल मीन है वेनम या पॉइजनस फ्लूड। सबसे पहले वायरस टर्म यूज किया था पॉस्चर ने, पॉस्चर ने सबसे पहले इसके लिए वायरस टर्म यूज किया था, एनसीईआरटी में दे रखा है हमारे। They are obligate parasite, as I have told you. They are doing work. They are infectious only when they come in contact of living cell. Then they can complete their cycle. Otherwise, they are just simply the inert crystalline structure. That means, जब ये cell के contact में आते हैं, तभी infectious है. Otherwise, इनका कोई existence नहीं है. Genetic material, like in our case, they may have DNA or RNA. You know, genetic material is mostly DNA in all the animals and plants. But in viruses, they may have DNA or RNA as a genetic material. Moreover, when we see the structure of virus, we know they have nucleoprotein and this is covered by protein layer. This protein layer is called as capsid. This protein layer is called capsid. This is formed of capsomere. कैप्सोमियर, दिस इज दी सब यूनिट ऑफ प्रोटीन। तो वायरस के स्ट्रक्चर में व्हाट वी ऑब्जर्व, डीएनए आरएनए है, चारों तरफ से कवर्ड है कैप्सिड से, कैप्सिड फॉर्म होता है कैप्सोमियर से। नाउ वी आर कमिंग ऑन आवर टॉपिक, दैट इज कोरोना वायरस। मोस्टली व्हाट वी लर्न इन आवर स्कूल डेज और इन कॉलेज लाइफ, वायरसेस इन्फेक्ट द प्लांट, दे मे गो फ्रॉम वन प्लांट टू प्लांट, they may infect the animal, they may go from animal to animal, they infect the human and obviously infect from one human to another human. जो वायरसेस हैं प्लांट को इन्फेक्ट कर रहे हैं, एनिमल को इन्फेक्ट कर रहे हैं, ह्यूमन को इन्फेक्ट कर रहे हैं। जो वायरस प्लांट को इन्फेक्ट करेगा उसका अपना जेनेटिक मटीरियल होगा, जो एनिमल को इन्फेक्ट करेगा उसका अपना जेनेटिक मटीरियल होगा, जो ह्यूमन को इन्फेक्ट करेगा उसका अपनी अलग कैपेसिटी होगी। आई मीन टू से हर वायरस की अलग अलग कैपेसिटी होती है। अगर कोई वायरस ह्यूमन को इन्फेक्ट कर रहा है, ऑब्वियसली ज़्यादा पोटेंशियल है, ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि ह्यूमन की इम्यूनिटी ज़्यादा है, हर वायरस इसमें सर्वाइव नहीं कर सकता।
तो इन जनरल व्हाट वी लर्न, अगर कोई वायरस एनिमल को इन्फेक्ट कर रहा तो इन जनरल ह्यूमन को वो इन्फेक्ट नहीं कर सकता, अगर प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा है तो ह्यूमन को इन्फेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा पोटेंशियल ज़्यादा है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, हमारी इम्यूनिटी ज़्यादा है। वॉट इज डेंजरस अबाउट कोरोना वायरस, वॉट वी हैव सीन इन दिस केस, दिस इज द रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन इन वायरस एंड दिस वायरस हैज कम फ्रॉम एनिमल्स। कोरोना वायरस के में डेंजरस ये है कि ये वायरस हम लोगों में एनिमल से आया है, मतलब एनिमल का जो वायरस था उसमें म्यूटेशन होने के कारण नाउ दिस वायरस इज कैपेबल टू इन्फेक्ट द ह्यूमन। दिस टाइप ऑफ इन्फेक्शन इन बायोलॉजी वी से जूनोटिक। जूनोटिक मतलब वो वायरस जो एनिमल से ह्यूमन बींग में आए। नॉर्मली इट इज नॉट पॉसिबल, नॉर्मली दे कैन नॉट सर्वाइव इन ह्यूमन बॉडी बिकॉज टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड, बट ड्यू टू म्यूटेशन दे आर कैपेबल, दे कैन कम फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन। दिस इज द केस ऑफ कोरोना वायरस। एंड वॉट आर वी गोइंग टू लर्न फर्दर अबाउट द कोरोना वायरस, दिस इज द कोरोना वायरस दैट टूडे वी आर टॉकिंग, दिस इज COVID-19, दिस इज नोवेल कोरोना वायरस। नाउ इट हैज बीन नेम्ड COVID-19 बाई WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कोरोना वायरस डिजीज 19, दिस इज SARS-CoV-2। कोरोना वायरस हम लोग बहुत पहले से जानते हैं, ये वो वायरस है जो एनिमल से म्यूटेशन से ह्यूमन बींग में आ गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2019 में जिस कोरोना वायरस का आउटब्रेक हुआ है उसे नाम दिया है COVID-19। पहले इसे नोवेल कोरोना वायरस भी कहा गया, फिर इसे नाम दिया गया COVID-19। COVID-19 हम लोग डिजीज को कहते हैं, दैट मीन्स कोरोना वायरस डिजीज 19। जिस वायरस से ये डिजीज होती है वो है SARS-CoV-2। कोरोना वायरस से जो डिजीज 2019 में दिसंबर में चाइना के वुहान सिटी में जिस डिजीज का आउटब्रेक हुआ है वो है COVID-19 डिजीज, एंड दिस इज कॉज्ड बाय SARS-CoV-2। SARS मींस सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। ये वायरस का नाम है और ये डिजीज है जो उससे हो रही है। हम लोग वायरस का ये नाम क्यों दे रहे हैं, इसके पीछे अपने कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग समझ सकते हैं। नॉर्मली इन्फ्लुएंजा जिससे फ्लू हो रहा है, फ्लू मतलब कॉमन कोल्ड जिसे हम कह रहे हैं, नॉर्मली इन्फ्लुएंजा से जो फ्लू होता है दिस इज फॉर 3 days or 7 days। लेकिन कोरोना वायरस से जो फ्लू की प्रॉब्लम आती है, सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था 2003 में, ये फ्लू रिपोर्ट किया गया था जिसे नाम दिया गया था SARS। चाइना में इसका आउटब्रेक हुआ था, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, एंड ये आउटब्रेक हुआ था 2003 में चाइना में, और वायरस का नाम था SARS-CoV, SARS कोरोना वायरस। फिर मिडिल ईस्ट में सऊदी अरेबिया में जिस डिजीज का आउटब्रेक हुआ MERS-2012, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, एंड इट वाज कॉज्ड बाय MERS कोरोना वायरस। आप यहाँ पे देखोगे तो हम लोगों ने यहाँ SARS कोरोना वायरस, यहाँ MERS कोरोना वायरस, मतलब ये सेम कोरोना वायरस था जिसका आउटब्रेक पहले चाइना में फिर मिडिल ईस्ट में हुआ, दोनों का सेम स्ट्रेन था, सेम जेनेटिक मटेरियल था। बट अभी 2019 में जिस वायरस का आउटब्रेक हुआ है वो वायरस न्यू है, इसीलिए उसे नोवेल कोरोना वायरस या एक सेपरेट नेम दे दिया गया COVID-19, और यहाँ पे हम इसे नाम दे रहे हैं वायरस को SARS-CoV-2। ये डिफरेंस है अपने कॉम्पिटिशन के लिए, ये इम्पॉर्टेंट है। प्रॉब्लम ये है कि कोरोना वायरस से, इन्फ्लुएंजा से, या जो जिसे नॉर्मल कफ एंड कोल्ड हम कह रहे हैं, इन सबके सिम्टम ऑलमोस्ट सेम है। थोड़ा सा डिफरेंस है COVID-19 में, अभी इस समय आप लोगों ने कई सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम हर तरफ रन कराया जा रहा, थोड़ा सा डिफरेंस ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप COVID-19 के लिए पॉजिटिव हो तो ड्राई कफ, फीवर, बॉडी पेन, नेजल कंजेशन, और जैसे जैसे डिजीज और ज़्यादा
डेंजरस फॉर्म में आती जाएगी, आपको ब्रीदिंग ट्रबल होगा, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी, अल्टीमेटली किडनी फेल्योर की प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि कोविड 19 से उन्हीं लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है जो 70 या 80 प्लस है, मतलब जिनकी इम्यूनिटी कम है। हाउएवर सभी को प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अभी तक जो रिपोर्ट हम लोगों ने देखी है ज़्यादातर जिनकी एज ज़्यादा है उन्हें प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट अपने बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया में भी बहुत सारी लैब है, गवर्नमेंट ऑथराइज लैब है जहाँ टेस्टिंग करी जा रही है। टेस्ट का नाम आप देख सकते हो, दिस इज कॉल्ड एज रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो अपने 12th में हम लोग पढ़ते हैं NCERT में, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में वी हैव अ स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ DNA एंड वी कैन मेक मल्टीपल फ्रैगमेंट ऑफ DNA विद द हेल्प ऑफ स्मॉल सैंपल ऑफ DNA। इन दिस टेक्निक यू नो जो कोरोना वायरस है यहाँ पे, जिसे हम SARS-CoV-2 कह रहे हैं, इसका जेनेटिक मटीरियल RNA है। RNA को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से DNA में चेंज किया जाता है और इस DNA की मल्टीपल कॉपीज बना करके PCR की हेल्प से हम लोग इसकी स्टडी करते हैं। तो टेस्ट का नाम आप देख सकते हो PCR, नॉर्मली जो अभी न्यूज़पेपर में आ रहा PCR टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जा रहा, या रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR। सबसे इम्पॉर्टेंट एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कोरोना के बारे में। कोरोना टर्म इसलिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वायरस का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, जेनेटिक मटीरियल है, प्रोटीन की कोटिंग है। कोरोना वायरस में प्रोटीन स्पाइक्स के फॉर्म में प्रेजेंट है, क्राउन लाइक मैनर में, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज कोरोना वायरस। तो स्पाइक्स लाइक मैनर में, क्राउन लाइक मैनर में है। जो भी कोरोना वायरस फैमिली को बिलोंग करेगा, जैसे SARS कोरोना वायरस फैमिली को बिलोंग कर रहा, MERS बिलोंग कर रहा, COVID-19 बिलोंग कर रहा, सब में क्राउन लाइक स्ट्रक्चर में, स्पाइक लाइक मैनर में प्रोटीन प्रेजेंट होंगे इनके आउटर स्ट्रक्चर में। तो ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। लास्ट पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा इस डिजीज के बारे में, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी। ये डिजीज जो COVID-19 डिजीज हम लोग कह रहे हैं, ये डिजीज डिफरेंट स्टेजेस में स्प्रेड होती है। हर तरफ आप देखोगे मीडिया में तो डिफरेंट स्टेजेस के बारे में वो डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ भी आप देख सकते हो देयर आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ दिस डिजीज। फर्स्ट स्टेज इम्पोर्टेड फ्रॉम अफेक्टेड कंट्रीज। हम लोगों ने देखा कि 2019 में चाइना में इस डिजीज का आउटब्रेक हुआ। चाइनीज जो इन्फेक्टेड पर्सन थे, जब वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में गए, तो जिस कंट्री में गए वहाँ भी ये डिजीज स्प्रेड होना स्टार्ट हुई। मतलब अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन आपके कंट्री में दूसरे कंट्री से आ रहा है तो इसे फर्स्ट स्टेज कहते हैं, इम्पोर्टेड फ्रॉम अफेक्टेड कंट्री। सेकेंड स्टेज है लोकल ट्रांसमिशन फ्रॉम पॉजिटिव केसेस। सेकेंड स्टेजेस है कि आपके कंट्री में जब वो पर्सन आ गया है तो उससे लोकल ट्रांसमिशन होना स्टार्ट होगा, धीरे धीरे डिजीज और लोगों में स्प्रेड होनी चालू होगी, लोकल लेवल पे थोड़े थोड़े लोग पॉजिटिव होना स्टार्ट होंगे। थर्ड स्टेज स्प्रेड्स इन कम्युनिटी एंड लार्ज एरिया। जब थोड़े थोड़े लोग पॉजिटिव होना स्टार्ट होंगे तो धीरे धीरे लार्ज एरिया में, लार्ज कम्युनिटी में गैदरिंग होगी पीपल की, वहाँ पर डिजीज स्प्रेड होना स्टार्ट होगी। फोर्थ स्टेज नाउ इट हैज बीन टर्न इनटू एपिडेमिक। एपिडेमिक मींस अभी डिजीज इतनी तेजी से स्प्रेड हो रही है कि कंट्री के हर पार्ट में स्प्रेड हो गई है ये। राइट नाउ आप एग्जांपल देख सकते हो चाइना का, साउथ कोरिया का, इटली का, ईरान का, इन सब जगह ये एपिडेमिक के फॉर्म में चेंज हो चुकी है जहाँ लार्ज एरिया में स्प्रेड हो रही है। मोर ओवर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस डिजीज को पैंडेमिक डिक्लेयर कर दिया है क्योंकि इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस कर चुकी है, यू नो मोर देन 170 कंट्रीज ये डिजीज स्प्रेड हो चुकी है, तो अभी इसे पैंडेमिक कह रहे हैं। सिंगल कंट्री में बहुत तेजी से स्प्रेड हो रही है, आप उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, देन वी यूज द टर्म एपिडेमिक। सो दिस इज ऑल अबाउट द कोरोना वायरस दैट यू नीड टू नो अबाउट कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये सारे वो पॉइंट थे जो आपको कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के से आपको पता होना चाहिए। आगे इससे रिलेट करके या वायरस से रिलेट करके हम लोग और भी वीडियोस डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।